उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में समाजवादी पार्टी के महाराजगंज जिला उपाध्यक्ष दिलीप कुमार शुक्ला से रोजगार, बेरोजगारी एवं शिक्षा पर R9 भारत की टीम से बातचीत की तो उन्होंने मीडिया से रूबरू होते बीजेपी पर सीधा सीधा प्रहार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में जो सरकार रही है उसके कार्यकाल विधानसभा क्षेत्रों में जनता अन्याय, उपेक्षा और उत्पीड़न से परेशान रही है। अभी हाल ही में प्रयागराज में हुए रेलवे परीक्षार्थियों पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए भाजपा की आलोचना की और कहा कि ये सरकार भगोड़ों की सरकार। उन्होंने ये भी कहा कि महाराजगंज की जनता भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों व विवादों से जनता ऊब चुकी है। आगामी चुनाव में जनता सरकार को माकूल जवाब देगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने प्रदेश में बेरोजगारी, हत्या, लूट जैसी घटनाएं बढ़ गई हैं। जाति से जाति को लड़ाना, धर्म के नाम पर आपस में लोगों को बांटना इस सरकार का यही उद्देश्य है। सरकार पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बनी गई है। समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पेंशन से लेकर दवाई, पढ़ाई, बच्चों को निःशुल्क लैपटॉप जैसी अनेक योजनाओं से मान देंगे ने का काम करेंगे। वहीं सदर विधायक पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि विधायक जी 5 साल में रिसोर्ट खोल रहे हैं और जिस तरह से अपना विकास किया है उस तरह से जनता का विकास कर देते तो महाराजगंज के बरई पट्टी ग्राम सभा से इज्जत बचाकर न भागना पड़ता। और कहा कि भाजपा सरकार में गरीबों और किसानों के हक मारे गए हैं। सरकार का किसी भी चीज पे नियंत्रण नहीं है। वर्तमान सरकार से गरीब जनता त्रस्त हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के सरकार में 108 डायल 100 बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप वितरण योजना, डिग्री कॉलेज सहित तमाम विकास कार्य किए गए जिसे जनता आज भी नहीं भूली है। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल है और उन्होंने कहा कि R9 भारत न्यूज चैनल को निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए धन्यवाद भी दिया और कहा कि आपका चैनल महाराजगंज में अब तक का सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक लोकप्रियता में गिना जाने वाला चैनल है जो निष्पक्ष खबरों का संकलन करता है। हम आज R9 भारत न्यूज चैनल के आभारी हैं जो निष्पक्ष खबरों के साथ महाराजगंज की जनता के हृदय में एक अलग पहचान बना चुका है। R9 भारत के लिए महाराजगंज सदर से सरकार भानु प्रताप तिवारी की रिपोर्ट। भानु प्रताप तिवारी जनपद महाराजगंज के आज समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं दिलीप शुक्ला जी। आज इनसे बात करेंगे रेलवे परीक्षार्थियों पर हुए बर्बरता के ऊपर ये क्या कहते हैं, क्या ये उत्तर प्रदेश सरकार को उसके उसके सापेक्ष आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कैसे ये घेरते हैं और क्या है इनका विचार और आइए इनसे बात करते हैं अन्य और मुद्दों पर। कैसे ये बताएंगे हम लोगों को कि किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार में विकास किया गया है, किस तरह से रोजगार दिया गया है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लाठी बरसाई उस पर अमल किया गया उसको देख करके जलिया वाला बाग का कहानी याद आता है। जिस प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत ने हिंदुस्तान की जनता के खिलाफ मान सम्मान के खिलाफ अधिकार के खिलाफ कुर्ता दिखाया था उससे कम एक कुर्ता नहीं है। इन्होंने 2017 का जो उन्होंने चुनाव लड़ा था उसमें इन्होंने कहा था कि हिंदी के भर्ती बोर्ड में 1,40,000 लोगों का भर्ती करेंगे जिसमें लगभग 35,000 NTPC जो नॉन टेक्निकल पोस्ट होता है और लगभग 1,05,000 जो है डी ग्रेड के लोगों का। हालांकि इन्होंने जुमलेबाजी तो कर दिया था जब सरकार इनकी बन गई। जनता का अधिकार है कि आपने वादा किया था वादा पूरा करिए, आज वादा पूरा करने को हुआ थे 2019 में भी नहीं किए और इस बार जो है फिर 2022 वाले चुनाव को भुनाने के चक्कर में उन्होंने परीक्षा करा। परीक्षा में उन्होंने कहा जब एक बार परीक्षा नहीं होगा फ्री होगा और मेंस होगा और उसका परीक्षा इतना टाइट कर दिया जो उन्होंने और जनता और उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने जब अपना अधिकार माना इन लोगों ने जो बर्बरतापूर्वक जो उनके साथ व्यवहार किया है उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता ये देख रही है, उत्तर प्रदेश के नौजवान देख रहे हैं। पर चुनाव तो आ ही गया है, बेरोजगारी क्या है देखिए, इनके पास कोई मास्टर प्लान नहीं है। ये लोग आगे हुए लोग हैं, ये लोग रोजगार जानते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं। बाबा ठाकुर समाजवादी नहीं, हमने नहीं किया था, आपने बता दीजिए था। हम तो समाजवाद के लोग हैं, समाजवादी पार्टी समाज के हर तबके को लेकर के साथ चलने का बात करती है। हम लोग तो वैसे ये तो आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास कोई सीमा नहीं है, ये पराकाष्ठा को पार कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। 2017 के पहले बेरोजगारी व्यवस्था समाजवादी पार्टी में कितनी थी आप देख लीजिए, देख लीजिएगा। हमने शिक्षा मित्रों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे तो उन्होंने क्या किया था, शिक्षा मित्रों को उठा करके सहायक अध्यापक पद दिया था, 40,000-50,000 कायम कर दिया था। और क्या रोजगार नहीं है? और उत्तर प्रदेश में जितने बच्चे पास हुए सबको लैपटॉप देने का काम किया था, डायल 100 किया था, वुमेन हेल्पलाइन किया था। एक गाना था सोशल मीडिया पर, यूपी में सब
मैं आपसे जानना चाहता हूँ महाराजगंज में क्या बात है। महाराजगंज में सब उद्यम सब क्राइम हर पराकाष्ठा खत्म हो गई पूरे चारों तरफ क्राइम ही क्राइम है। पुलिस अत्याचार कर रही है, लोगों को मार रही है, जनता को मार रही है, छात्रों को मार रही है, जो पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए जो मांग कर रहे हैं अपने कर्मचारियों को मार रही है। यही तो सब है और यही तो है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश दुनिया में कहीं किसी भी नदी में जो है लाश नहीं बहाया गया था कोरोना काल में, वो भी उत्तर प्रदेश की गंगा की नदी में बहाया गया है। यही तो है इनके पास। और समाजवादी पार्टी बिजली को लेकर तमाम दावे पेश कर दिए, बिजली देंगे लगातार काम है। महाराजगंज में 10 सब स्टेशन और 2 पावर स्टेशन समाजवादी पार्टी ने देने का काम किया है। 2017 के पहले हमारी सरकार नहीं थी और उसको सही करने के लिए 2 पावर स्टेशन दिया और कंजेशन खत्म हुआ जिसको ये लोग भुना रहे हैं। एक देन समाजवादी पार्टी का है। अगर आप नहीं मानते हैं और कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं मानता है तो हमारे साथ फेस टू फेस बात कर ले, समय डेट और ईयर्स के साथ बात कर लेगा, तारीख के साथ बात कर लेगा और उसके बाद बात कर लेगा। ये हमारी देन है। अगर सब स्टेशन पावर स्टेशन अखिलेश यादव जी नहीं बनाए होते तो महाराजगंज में 24 घंटा भी, और जब एक जनपद इन्होंने बनाया तो 75 जनपद इन्होंने बनाकर वही काम किया, इसीलिए जो है पावर कनेक्शन खत्म हुआ और सब जगह बिजली मिलनी शुरू हो गई। ठीक है, जो रोजगार की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ दिया मुझे बताइए ना, उत्तर प्रदेश में कहाँ बच्चे 69,000 जो है बच्चे ऐसे ही रो रहे हैं। आप बताइए आशाएं बहुएं रो रही है, जो रसोईया रो रही है, सुनिएगा। और शिक्षा में तो कहाँ इन्होंने दिया, अरे बात बताइए कोरोना काल में जितने भी प्रवासी मजदूर आए थे वो लोग जो है क्या किए, वो लोग आपकी मछली खा करके पेट भरे हैं, इन लोगों ने रोजगार कहाँ दिया है। गिनवाइए ना, आप किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुलाइए और गिनवाई और कितना रोजगार दिया, मैं गिनवाता हूँ हमारी सरकार ने कितना रोजगार दिया। अरे अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, दुनिया उन्होंने देखा है, दुनिया देखने के बाद उत्तर प्रदेश के हुकूमत में बैठे हैं इसलिए उनको मालूम है कि हमारे प्रदेश को किस तरीके से चलाया जा सकता है। वो जानते हैं कि जब तक जनता के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होगी तब तक हमारा राज्य विकास नहीं कर सकता है। हर लाइन में देखिएगा जातिगत आधार पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के दिन उन्होंने योगी को कहा कि मैं तुमको हेलीकॉप्टर देता हूँ, छात्रों को इकट्ठा करो, केशव प्रसाद मौर्य को हेलीकॉप्टर दिया, तुम जाओ अपने लोगों को, और उन्होंने अनुप्रिया पटेल को दिया तुम जाओ अपने लोगों को। एक कुंभे कुंभे में लोग बांटने का काम किया। हमने तो समाजवाद का बात किया है, तो समाजवाद का बात करना अपराध है कि अपराध। उत्तर प्रदेश की जनता ये जान लें कि हम हमेशा समाजवाद की बात करेंगे और ये अपराध नहीं। अगर ये अपराध है भारतीय जनता पार्टी वालों तो हम समाजवादी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा जो है समाजवाद की बात करेंगे, समाजवाद छोड़कर के हम जो है जातिवाद का। और महाराजगंज जनपद के समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष क्षेत्र में भ्रमण आप भी करते हैं, क्षेत्रों में जब भ्रमण करते हैं तो जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहाँ के किसी एक विधायक जी का कोई बढ़िया तो नहीं आता। मैं बता रहा हूँ ना, महाराजगंज में हमारे विधायक रह चुके हैं, उन लोगों ने एक घर भी नहीं बनवा पाया अभी तक। और आप देखिए ना, सदर विधायक जी, आदरणीय सदर विधायक, माननीय सदर विधायक जी, माननीय सुषमा विधायक जी, माननीय परिंदा विधायक, देखिए ना कई करोड़ का इन लोगों का जो प्रतिष्ठान बन रहा है, किसी का कॉलेज बन रहा है, किसी का रिसोर्स बन रहा है, किसी की हवेली बन रही है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी वाले अपने विधायक रुपया 50 लाख 60 लाख रुपये सर्विस देते हैं क्या? जनता का विकास नहीं हो पाया, मोहल्ले जो है उनके नाम से आंसू बहा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के घर में बारिश का पानी घुस जाता है और अपने घर से बारिश का पानी नहीं निकलवा सकते, जनता को क्या करेंगे मुझे बताइए ना। आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है, 3 फरवरी को चुनाव है, 5 फरवरी उसमें जनता, ये जनता का चुनाव है, जनता ये जानना चाहती है कि समाजवादी सरकार गुंडों की सरकार है या फिर समाजवादी सरकार विकास की सरकार। गुंडा गुंडों वाली भाषा तो योगी जी बोलते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुंह से कोई गुंडई वाला भाषा आपने सुना है क्या? नहीं सुना है। और देखिए चुनाव जो है विपक्ष के ही लोग बोलते हैं गुंडों की सरकार है, वो गुंडे जो है गुंडे वाली बात करते हैं। योगी जी बोलते हैं अभी तबे गरीबानों इस्तेमाल करते हैं, थोक दो सौ दो करते हैं, अभी नलायकों की बात वो करते हैं। यह चुनाव विकास के नाम पे सिर्फ हिंदुस्तान की आवाज अखिलेश यादव जी, महिलाओं की आवाज, महिलाओं की पुकार, युवाओं की पुकार, बेरोजगारों की पुकार, बेटियों की पुकार, वृद्धों की पुकार। मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से तमाम मेरे ऊपर भी लालच रखते हैं कि आप भाजपा विरोधी पत्रकार होकर भाजपा के विपक्ष में खबर चलाते हैं, मैंने एक बात तो कहा, अगर रखते हो चिंगारी सीने में अपने, अगर हुकूमत के खिलाफ काया में जान ना हो ना सही, आवाज से क्रांति पैदा किया। मुझे एक चीज, अगर आप क्रांति पैदा करते हैं आप सरकार के निशाने पर हैं, लेकिन चिंता न करें। मुझे एक चीज बताइए,
जिस तरह से लोकतंत्र में, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में है, कुछ पत्रकारिता में बड़े बड़े कीड़े बन गए हैं जो अपनी पत्रकारिता की छवि को इतने बेकार कर दिए हैं कि हम जैसे पत्रकारों का भी सवाल पूछना दूर हो गया। आप मुझे ये बताइए, सागर सागर भी अब नाले की शक्ल में आ गई है। मेरी एक शायरी, मेरी पंक्ति आप याद रखिए, सागर भी अब नाले की शक्ल में आ गई है, पत्रकारिता भी अब राजनीति गिरेवा में आ गई है। इंसाफ की आस दफन कर दो ऐ दुनिया वालों, क्योंकि भाजपा वालों से कलम निशस लिखने से घबरा गई है। मैं आपको दाद देता हूं कि आप धारा के विपरीत, इस जालिम हुकूमत के विपरीत दिशा में आप जो है अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं। भगवान आपके भविष्य को उज्जवल करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार, नमस्कार। मैं एक चीज ये कहूंगा, आज नहीं भारत टीवी की तरफ से आप क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, जो आपको सीधे देखेंगे और उनसे तमाम विचार भी इंस्पायर होंगे कुछ आपसे, उनको आप क्या कनेक्ट करना चाहते हैं हमारे चैनल? हमारे उत्तर प्रदेश की माताओं, बहनों, बेरोजगारों, छात्रों, बेटियों, कर्मचारियों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मौका बार बार नहीं मिलता है। आप स्वयं अपने घर में बैठ करके आकलन कर लीजिए कि आपके साथ इस जालिम हुकूमत ने क्या क्या काम किया है। तो आप अगर अपने आत्मसम्मान की लड़ाई अब नहीं लड़ेंगे तो इसके बाद मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारे लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौम 5 साल तक इंतजार नहीं करती है। और R9 भारत के एंकर महोदय, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हम जैसे समाजवादी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता का ओपिनियन लिया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं अखिलेश यादव का सिपाही हूं, मेरी जान भी अखिलेश यादव जी के नाम से है, मेरा मान भी अखिलेश यादव। 10 बार से चुनाव ही बताएगा सर कि क्या करता है क्या है। जैसा कि आपने देखा उत्तर प्रदेश आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए हमारे साथ मौजूद थे आदरणीय दिलीप शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। जैसा इन्होंने बताया, तमाम विकास के मुद्दों पर इन्होंने बात किया हमसे, अच्छा लगा बात करके। आप देख रहे हैं R9 भारत टीवी, सरदार भानु प्रताप तिवारी का जयपुर महाराजगंज।